हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, आज फिर एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों, जो आज का वीडियो है इसमें हम बात करेंगे कि जो भी भाई ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम लगाना चाहते हैं 2024 में, तो दोस्तों हम 1 किलोवाट, 2 किलोवाट और 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम के आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा जो सोलर सिस्टम है आप चूज़ कर सकते हो, और साथ ही प्राइस भी हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो में एंड तक बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो को बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। तो सबसे पहले हम जो 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम है इससे हम वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, 1 किलोवाट का सोलर सिस्टम यदि आपको लगाना है तो दोस्तों आप 540 या 550 या वारी के टॉपकॉन सोलर पैनल 575 वाट के 2 सोलर पैनल ले सकते हो। तो दोस्तों, प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ कि 19 से 22 रुपए पर वाट तक डिफरेंट रेंज में आपको पैनल मिल जाएंगे। और आप यदि पैनल ख़रीदना चाहते हो तो दोस्तों वारी है और विक्रम सोलर है, और इसके अलावा भी टाटा है, बहुत सारी कंपनियों के ले सकते हो। बट दोस्तों, वारी के जो प्राइस और क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी है, सही प्राइस पे आपको मिल जाएगा। तो 19 या 20 या 21 रुपये पर वाट में आपको जो बाईफेशियल सोलर पैनल है वो मिल जाएंगे। और यदि आपको दोस्तों टॉपकॉन सोलर पैनल चाहिए तो दोस्तों टॉपकॉन भी 21 से 23 रुपये पर वाट तक मिल जा रहे हैं, मतलब 21 से 23.50 रुपये पर वाट तक आपको पैनल मिल जाएंगे। तो दोस्तों, जब भी ऑफर आता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस चेंज होता रहता है, बट इसी इंटरवल में प्राइस चेंज होता रहता है। मतलब कि टॉपकॉन सोलर पैनल लोगे तो नॉर्मल प्राइस ये 27,000 रुपये और ऑफर में आपको 24 से 25,000 के पड़ जाएंगे। और 550 वाट के सोलर पैनल की हम बात करें तो दोस्तों ये आपको 22 से 23,000 रुपये में पड़ जाएंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके बाद दोस्तों, पैनल की हमने बात कर ली, सभी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद 1 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस की बात करें दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आपको UTL का लेना है तो दोस्तों UTL गामा प्लस 1 KVA 12 वोल्ट, जो कि 9,500 से 10,500 तक आपको मिल जाएगा। काफ़ी अच्छा इन्वर्टर है दोस्तों, और काफ़ी ट्रस्टेड इन्वर्टर है, मैंने भी 2 साल से यूज़ कर रहा हूँ, कभी मुझे दिक्कत नहीं आई। दूसरा है स्मार्टन का सुपर 1100, जो कि दोस्तों बिकता तो कम है बट इन्वर्टर अच्छा है। इसमें 50 एम्पीयर का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर है, और यदि बहुत सारों को लुमिनस में जाना है, बट दोस्तों ये इन्वर्टर मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा सक्सेस हुआ है, क्योंकि जिन लोगों ने ख़रीदा है उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लुमिनस एनर्जी प्रो 1 KVA 12 वोल्ट, यदि दोस्तों आपके पास भी लुमिनस एनर्जी प्रो 1 KVA 12 वोल्ट है तो आपको कमेंट करना है। और दोस्तों, चौथा इन्वर्टर है अगर हम 12 वोल्ट सिस्टम की बात करें तो आशा पावर का रोवर 1250। बस दोस्तों, उसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, और 1250 VA का इन्वर्टर 1000 वाट तक का लोड चला लेता है, बट दोस्तों उसका प्राइस 21,000 रुपये, तो हर कोई इसको नहीं खरीद सकता। इसके बाद दोस्तों, यदि बैटरी की हम बात करें तो दोस्तों मैं 2 ही बैटरी मैं लुमिनस की बैटरी ही रिकमेंडेड करूँगा। बाकी आप लोग अगर आपको पता है किसी बैटरी का अच्छा बैकअप है तो वो बैटरी भी आप खरीद सकते हो। दोस्तों, लुमिनस की 2 बैटरी सीरीज आती है, LPTT 12150L और LPTT 12150H। जो 12150H होती है वो 5 ईयर की वारंटी के साथ होती है, और LPTT 12150L जो L सीरीज होती है दोस्तों वो 3 ईयर की वारंटी के साथ होती है। तो दोस्तों, 1 किलोवाट के सोलर सिस्टम पे मेरे हिसाब से मिनिमम आपको 200H का बैटरी बैंक लगाना चाहिए, 200H या उससे ऊपर का। तो 200H का बैटरी आप लोगे तो लगभग 16 से 17,000 रुपये आपको प्राइस पड़ने वाला है। और इसके अलावा दोस्तों, जो कुछ इन्वर्टर है जैसे UTL गामा प्लस है, वहाँ पे ग्रिड चार्जिंग करंट का ऑप्शन अवेलेबल है, आप खुद के अनुसार सेट कर सकते हो। दोस्तों, सिंगल बैटरी के इन्वर्टर पर आप डबल बैटरी भी आराम से लगा सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार आपको जो कॉस्ट है, अगर हम बात करें कि 2 पैनल अगर टॉपकॉन की हम बात करें 24 से 25,000 रुपये मान लेते हैं पैनल का प्राइस, और यहाँ पर बैटरी का प्राइस 16 से 17,000 रुपये मान लेते हैं, 17 मान लेते हैं, और इन्वर्टर का प्राइस 10,000 रुपये मान लेते हैं दोस्तों। तो इस प्रकार आप सोलर सिस्टम खरीद सकते हो। दोस्तों, प्राइस मैंने क्लियर कर दिए आपको। और यदि दोस्तों हम 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की बात करें तो 2 किलोवाट में आपके पास कुछ इन्वर्टर है 2 किलोवाट के सोलर सिस्टम की हम बात करें तो दोस्तों, यहाँ पे आप जैसे
दो किलोवाट और 3 किलोवाट दोनों दोस्तों कॉमन चलेंगे। तो यदि 2 या 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो दोस्तों बारी के जो टॉपकॉन सोलर पैनल है 575 वाट के, 2 किलोवाट का लगाना है तो आप 4 पैनल ले लीजिए, और 3 किलोवाट लगाना है दोस्तों आप 6 पैनल खरीद सकते हैं, या फिर अगर आप दोस्तों बाईफेशियल भी खरीद सकते हो, बट दोस्तों मैं टॉपकॉन ही रिकमेंडेड करूँगा आपको क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 550 वाट के 4 पैनल या 6 पैनल आप खरीद सकते हो। और दोस्तों इन्वर्टर की बात करें, यदि केवल और केवल आपको 2 किलोवाट लगाना है और एक सस्ते प्राइस पर लगाना है, तो दोस्तों आप सस्ता इन्वर्टर लेना चाहते हो तो स्मार्टन का सुपर जो 2500 है 13.5 से 14.5 हज़ार तक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा UTL का भी 2000 VA का इन्वर्टर आता है, UTL गामा प्लस, वह 2600 के नाम से आएगा, तो वो भी आप ले सकते हो। बट दोस्तों इससे अच्छा है कि आप 3000 VA का इन्वर्टर ही लो, जैसे कि UTL गामा प्लस 3350, EA प्रो 3200। और अगर 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाना है तो इन 2 या 3 किलोवाट इनमें से कोई भी इन्वर्टर ले सकते हो, UTL गामा प्लस 3350, EA प्रो 3200 और आशा पावर रोवर 3024 दोस्तों। और चौथा इन्वर्टर है हमारा, ये 3 इन्वर्टर है इनमें से कोई भी, और इसके अलावा आप स्मार्टन का 3075 भी खरीद सकते हो दोस्तों। सभी का प्राइस 16 से 18 हज़ार रुपये तक रहने वाला है, केवल आशा पावर को छोड़ के दोस्तों। आशा पावर का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, आशा पावर का प्राइस आपको 34 हज़ार रुपये के समथिंग पड़ने वाला है। और दोस्तों बैटरी आप वही LPTT 12150H और 12150L में से कोई भी ले सकते हो, और 200H की या 150H की ले सकते हो। तो दोस्तों प्राइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि 19 से 21 रुपये पर वाट तक इसका रहने वाला है, बाईफेशियल का और टॉपकॉन का 21 से 23.50 रुपये पर वाट तक रहने वाला है दोस्तों। वो डिपेंड करता है ऑफ़र पे, कभी ऑफ़र आता है कभी ऑफ़र नहीं आता है। और बैटरी का प्राइस भी मैंने बता दिया दोस्तों आपको, जो 150H की है एल सीरीज का प्राइस 13,500 के समथिंग पड़ेगा, और जो 5 ईयर वारंटी वाली है 150H की दोस्तों वो पड़ेगी आपको लगभग 14.5 से 15,500 वैसे नॉर्मली प्राइस है, बट 14.5 हज़ार तक भी ये मिल जाती है। तो दोस्तों और 200H की बैटरी का प्राइस 16-17 हज़ार रुपये होगा। तो दोस्तों ये बेस्ट सोलर सिस्टम है, चाहे 1 किलोवाट का लगाओ, 2 किलोवाट का लगाओ या 3 किलोवाट का लगाओ। दोस्तों मैंने सब कुछ क्लियर कर दिया आपको, कौन सा इन्वर्टर लेना है, कौन सी बैटरी लेनी है और कौन सा सोलर पैनल लेना है। तो दोस्तों अच्छे से आपको पता कर लेना है, इस जो भी आपको अच्छा लगे इनमें से कोई भी चीज़ वो आप खरीद सकते हो। और सारे के सारे जो बेस्ट इन्वर्टर है, बेस्ट सेलिंग इन्वर्टर है, वो मैंने आपको बता दिए हैं मार्केट में अभी करंट में। तो दोस्तों इस प्रकार आप खुद के लिए सोलर सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हो। बस सोलर सिस्टम में मेन प्रॉब्लम यही रहती है कि हमें एक्चुअल प्राइस पता होना चाहिए, हम सही जगह से खरीद रहे हो जिससे कि हमें प्राइस सही पड़े। वरना दोस्तों सोलर के फील्ड में लूट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो लोगों को लूट रही है, बहुत महंगे पैनल बेचती है जबकि एक्चुअल प्राइस इतना है नहीं। तो दोस्तों बहुत ही सोच समझ के आपको आपका सोलर सिस्टम का चुनाव करना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो इस वीडियो को ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।